नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, वो एक बहुप्रतिष्ठित बेहतरीन हॉकी प्लेयर थे। विरोधी टीम भारत के इस खिलाड़ी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आती थी, क्योंकि इनमें गोल करने की उनकी क्षमता अद्भुत थी। 29 अगस्त जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उससे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया। ध्यानचंद बेशक हॉकी के सबसे बेहतरीन और हरफनमौला खिलाड़ी थे, और इसी काबिलियत से उन्होंने हॉकी में 3 ओलंपिक मेडल भी भारत के नाम करवाए। वे उस समय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य थे, जिस समय भारतीय हॉकी टीम ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ था। ध्यानचंद ने 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की। भर्ती होने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। ध्यानचंद काफी प्रैक्टिस किया करते थे। रात को उनके प्रैक्टिस सेशन को चांद निकलने से जोड़कर देखा जाता, इसलिए उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें चांद नाम दे दिया। यही से इनकी जिंदगी में हॉकी ने दाखिल लिया। गोल करने की उनकी शैली और कला दूसरे सभी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग और अद्भुत थी। इसी कारण बस उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाने लगा। उनकी इस प्रकार के अद्भुत खेल को देखते हुए कई बार विरोधी टीम ने उनकी स्टिक को भीतर से देखने के लिए मैच के दौरान तोड़ने की भी कोशिश की थी। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक और 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उस भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद ही थे। ओलंपिक में भारत का पहला मैच जापान के खिलाफ 1932 में था, जिसे भारत ने 11-1 से जीता था। इस प्रकार के शानदार प्रदर्शन को दिखते हुआ और लोगों का भरोसा जीतते हुए भारत ने फाइनल में जाकर एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक के बाद भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड और दूसरे देशों से खेलने के लिए बहुत से इंटरनेशनल टूर भी किए। टूर के अंत में भारत खेली गई 37 मैचों में से 34 जीता था। इस टूर में चंद ने भारत द्वारा किए गए 338 गोल में से 133 गोल दागे थे। 1934 में उन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया और अपने अपनी कप्तानी में टीम को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ले गए। वहां भी उन्होंने भारत को तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाया। अंतिम दिन 51 साल की उम्र में 1956 को आर्मी के मेजर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद वो भारतीय टीम के कोच बने। सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण भी उन्हें 1956 में भारत सरकार द्वारा दी गई। राजस्थान के माउंट अबू में कोच का काम करते थे। बाद में उन्होंने पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के मुख्य हॉकी कोच के रूप में जुड़े। उत्तर प्रदेश के झांसी गांव में उन्होंने अपने जीवन का अंत समय बिताया और 3 दिसंबर 1979 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। झांसी के शहीदों के मैदान पर उनका दाह संस्कार किया गया था। मेजर ध्यानचंद की कुछ अनसुनी बातें। वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में ध्यानचंद के 4 हाथों वाली मूर्ति लगी है। नीदरलैंड्स में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तोड़कर यह चेक किया गया था कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगी। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीनों ही बार भारत ने लड मेडल जीता। एक मैच में ध्यानचंद गोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मैच रेफरी से गोल पोस्ट की चौड़ाई जांचने को कहा। जब ऐसा किया गया तो हर कोई हैरान रह गया। गोल पोस्ट की चौड़ाई मानकों के हिसाब से कम थी। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया, लेकिन ध्यानचंद ने इस ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया। धन्यवाद।